माय चैनल इट्स मी भारती। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अगर आप सोच रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड कैसे कहाँ पर ब्लॉग कर रही है आज, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हस्बैंड साहिल भाई और आप सबको लेकर आ चुकी हूँ साईं बाबा जी के दर्शन करने उन्हीं की नगरी शिरडी में। तो यस, अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है। हम सुबह कुछ 11 बजे से निकल चुके थे, मुंबई से निकले थे और यहाँ शिरडी में होटल पहुँचने में हमें लगे कुछ 5 से 5.5 घंटे। तो थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं मंदिर उनके दर्शन के लिए, पर वहाँ पर कैमराज अलाउड नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको मंदिर का जो द्वार है, जो गेट है एंट्री का, कम से कम उसी के ही दर्शन करवा सकूँ। तो बस चाय वाय हमारी हो चुकी है, तो अब मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिलता है एथनिक पहनने का। सो यस, अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा रेडी होके। गॉट रेडी। सो ये मैंने आज सूट पहना है, ये वाला, जो कि कुछ राजस्थानी लुक में है। तो इसको पहन के मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो डालू, वो सॉन्ग पे डांस करूँ। कौन सा सॉन्ग था? पद्मावती का घूमर, घूमर करूँ। तो ये महाशय पबजी, बाहर आके भी पबजी देख लो, हाल देख लो इनका है पबजी। सो रूम में थी लाइटिंग नहीं यार, सो इससे पहले कि बिल्कुल अंधेरा ही हो जाए बाहर, से मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी लुक दिखा दूँ। तो बस ये पबजी हो गई है खत्म। तो इनको टाइम मिल गया है आप लोगों से थोड़ा मिलने का। जी जी। तो बस मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। सूट दिखाओ मेरा जरा। ये देखो जी, सूट देखो इनका पहले। ये ज्यादा दिस इज माय सूट। ओ नीचे करो थोड़ा और। देखिए देखिए, ध्यान से देख लो। तो मैं सूट पहन के बहुत खुश हूँ। ऐसा बनवाना लेना कोई, क्योंकि लेडीज की आदत होती है कि जो चीज उन्होंने खुद पहनी है वो ऐसी वैसी कोई और लेडी पहन ही ना सके, है ना? नहीं, मुझे नहीं होता, क्योंकि मैं, मेरे को जो चीज अच्छी लगती है किसी और लेडी पे मैं कॉपी कर लेती हूँ। और मैं शर्म बोलती हूँ कि यस मैं कॉपी कैट हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो मैंने आज बहुत टाइम के बाद सूट पहना। आई थिंक जब से बॉम्बे आई, जब से पहली बार मैंने, लाइक शादी के बाद जब मैं आई हूँ बॉम्बे, तब से मैंने पहली बार सूट पहना। और मुझे सूट पहनना बहुत पसंद है। लाइक सूट भी आपकी ग्रेस ही और होती है, नहीं? और बिंदी लगा के तो क्या ही बात है। सो बस मैं रेडी हूँ, अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे दर्शन के लिए। सो वहाँ पे मोबाइल फोन से वो अलाउड नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर थोड़ी सी भी क्लिप ले सकूँ तो मैं लूँ, ताकि आप लोगों को जो मैं साथ में लेकर आई हूँ दर्शन के लिए, तो आपको वो थोड़े से दर्शन जरूर करवा सकूँ। साई राम, ओम साई राम। तो हमें लेके आने वाले जो वजह थी वो ये जीती जागती वजह हमारे साथ हैं। ये हैं साहिल भाई, ये पुणे में रहते हैं और हमारा इतनी टाइम से प्लान था कि हमें जाना है जाना है, और ये खुद आ गए कि चलो मैं आया हूँ अब चलो साथ में। हेलो। और अच्छा मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। साहिल भाई हास्य कवि हैं, तो आपने इनको बहुत बार देखा होगा आज तक जी न्यूज जैसे चैनल्स पे, लपेटे में नेताजी, कवि युद्ध, तो ये हास्य कवि हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो आप जरूर पहचान जाएंगे इन्हें। और इनका पेज है फेसबुक पे कटाक्ष, हाँ। तो आप उनको, उसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भारती से परसों ही मिला पहली बार, मेरे बहुत प्यारे भाई जतिंदर, इनकी धर्म पत्नी है ये। और इनसे मिला तो मुझे लगा कि मैं वर्षों से मिला हुआ हूँ इनसे, और मैंने आज दुआ मांगी साईं बाबा से की, और साईं बाबा की आशीर्वाद आप सब पर बने रहें। और आप भी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी यहाँ आइए, बड़ी सुकून वाली जगह है, बड़े अध्यात्म और गहराई, आपको शांति की गहराई मिलेगी, सुकून मिलेगा। और मैं ये प्रार्थना करूंगा साईं बाबा से कि आपका भी ऐसा मित्र हो जो आपको लेकर आए यहाँ पे, शिरडी में लेकर आए, आप दर्शन करवाए, और भी बहुत जगह पे लेकर जाने वाले हैं ये अभी, और 3-4 दिन हमारे साथ ही है, तो हम बहुत घूमेंगे, बहुत जगह जगह पे जाएंगे और आपको बताते जाएंगे हम कहाँ कहाँ पे आए हैं, ताकि आप भी अगली बार अपने दोस्तों मित्रों के साथ जल्दी ही आए यहाँ पे। ठीक है जी, ओवर टू यू मैडम। तो बस ठीक है, अभी हम होटल वापस आ गए दर्शन करने, और देखना ही मतलब अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही फीलिंग है। मतलब जब तक मैं नहीं आई थी शिरडी, तो सुना ही था सबसे,
तो सभी कहते थे कि एक बार जब जाओगे तब आप जाके उसको फील कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज फ्राइडे था तो रश काफी था, तो वीकेंड पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि एक आपको मिलती है नॉर्मल एंट्री जो कोई भी ले सकता है, और एक आपको मिलती है वीआईपी एंट्री, जहाँ से क्या है कि आपको कुछ नहीं है, स्ट्रेट अपनी आईडीज आपको साथ में कैरी जरूर करनी, कई बार आईडीज आपकी चेक करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी फोटोग्राफ होती है और आपको वीआईपी पास मिल जाता है। वीआईपी पास में क्या है कि जितने भी आप पर्सन हैं उस पे आपको 200 पर पर्सन चार्ज होता है, और आपकी लाइन जो है थोड़ी सी थोड़े पास से आपको दर्शन हो जाते हैं बिल्कुल साईं बाबा जी के, और थोड़े लाइन थोड़ी जल्दी निकल जाती है। बाकी रश तो बहुत रहता ही है, और रात को 10 बजे तक, 10 बजे तक जो है आपको दर्शन होते हैं। हमने क्या है वहां पे जहाँ बाबा जी बैठते थे, जगह है एक मंदिर के बिल्कुल पास ही, लाइक उसके अंदर ही, तो वहां पे एक नीम का पौधा, एक पेड़ है बहुत बड़ा सारा पेड़ है नीम का, और ये मान्यता है कि नीम सबको पता है कि कड़वी होती है, पर वहां क्या है कि उसकी मान्यता है कि उसका जो पत्ता है अगर आप खाते हो तो वो मीठा होता है। तो लोग कितने ही आते हैं, लगे रहते हैं कि मतलब नीचे रहते हैं पेड़ के कि हमें मिल जाए खाने को गिरे तो, बट वो मतलब बहुत किस्मत वाला, कोई नसीब वाला है जिसको वो मिलता है। चलिए ठीक है, अब रात हो गई है, मैं आपको मिलूंगी कल सुबह, और कल हम जा रहे हैं औरंगाबाद, तो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। दिस इज द बस स्टैंड ऑफ शिरडी। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको पास में ही बनता है, ये मंदिर के बिल्कुल पास ही आपको पड़ जाता है बस स्टैंड। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर मॉर्निंग। तो अभी हम निकल चुके हैं औरंगाबाद के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको द्वार के दर्शन कराऊंगी, तो ये यहाँ पर टोटल 5 एंट्री गेट्स हैं। सो गेट नंबर 2 पे आपको जो वीआईपी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं थोड़ा कम टाइम में, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो गेट नंबर 2 आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। साथ में आपको बस स्टैंड मिल जाता है, और अभी लास्ट 6 महीने से आपको एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बाय एयर भी आप अच्छे से ट्रेवल कर सकते हो, वो भी आपका काफी पीछे पीछे टाइम जो आपको सेव कर देता है। तो वो आगे चले थे ना। बस अभी हम निकल पड़े हैं औरंगाबाद के लिए। गुड मॉर्निंग साहिल भाई। हेलो, हाय, गुड साहिल मॉर्निंग। भाई को तो भूख लगी है पहले, सबसे पहले इनको तो ब्रेकफास्ट करवाना पड़ेगा। भूख तो मुझे भी लग गई, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी निकलना प्रेफर किया, क्योंकि साहिल भाई का वहाँ पे फार्म हाउस है बहुत अच्छे वाला, और वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी जाकर। हाँ, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट, क्योंकि वो नई नई चीजें भी मैं देखने वाली हूँ, और मैं अपने साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी। वो पंजाबी रसोई वो देखो, यहाँ पे टोंगास भी चलते हैं। सी शेरे पंजाब जाना, पंजाबी रसोई जाना। लगा लो तो ये पंजाबी लोग बैठे हैं, पंजाबी गाड़ी में बाल बुल सेट नहीं। मेरे कौन से सेट हैं? मैं तो निकल चल मतलब फ्रेश हुए और हम चल पड़े, ऐसे ही देख सकते हो आप। तो बस हम ब्रेकफास्ट करें, आपको यहाँ पे पंजाबी खाना अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं, साउथ इंडियन मतलब खाने की वैरायटी आपको बहुत मिल जाती है इजीली। हाँ, हर तरह का खाना आपको मिल जाता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबा ऑन साइड ही आपको मिल जाते हैं। हाँ, छोले पूरी खाने लगे हैं, साथ में आलू का पराठा देखते हैं कैसा आता है। पंजाबियों की चाय को नजर लग गई है। ये तुम छोड़ देते ग्लास, ये इतनी सी है। कटिंग की भी कटिंग है ये, है ना? इतनी भी देखिए, मैं उनका जूस भरा आया देखिए, इतना बड़ा ग्लास देखिए, पी लोगे आज आज में सारा एक झटके में? ये तो देखा
बड़े लोग जूस पीते हैं, मतलब बुजुर्ग लोग, बड़े लोग जूस पीते हैं बुजुर्ग। हम हमें आगे साइज दे के चाहिए दीदी है। इस ट्री हाउस के लिए अमेजिंग, देखा कितना सुंदर है। सी ये क्या लोटस उसमें आते हैं, अरे वाह। हाँ बहुत सारे पेड़ है ना, और ये आम का है। ये जो बेड है मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब ये इसका पत्थर का है, टाइल वाइल लगा के सब बनाया, देखो कितना बढ़िया, वेरी नाइस। क्या है इसमें, ये शावर ही शावर, इसमें शावर शावर होना होना आपने। ये देखो, वन शावर, टू शावर, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, मतलब आप ऐसे खड़े हो इसका और सारे शावर खोल दो। क्या बात है, तो एक्साइटिंग। तो मैं अभी थोड़ी देर में ये ढेर आठ शावर वाला बाथ लेने वाली हूँ, क्या मजा आएगा गर्मी में। चलो चलती है मंदिर। चलो और ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आप अगर फ्रेश हो रहे हो तो बड़ा आपको एक अच्छे से वो व्यू दिया हुआ साथ में, कि बाहर बैठ के देखो क्या बात है। और अब आप बाथरूम में मुझे लगता है रहने वाले हैं, बाहर तो कौन रहेगा बेड पे।